सरकारी धान क्रय केंद्रों के नहीं खुलने से किसान बिचौलियों के हाथों बेचने को हुए मजबूर। बलिया से संजय कुमार तिवारी की रिपोर्ट। यूपी में योगी सरकार किसानों को लेकर दावा ठोक रही है कि हमारी सरकार में किसानों की फसल का उचित मूल्य मिल रहा है, लेकिन सच तो ये है कि किसानों की फसल का उचित दाम मिलना तो दूर, बिचौलिया औने पौने दामों में किसानों की धान को खरीदकर बाजारों में सरेआम बेच रहे हैं। किसानों की मजबूरी यह है कि रवि की फसल की बुवाई करनी है और समय से पहले रवि फसल की बुवाई हो जाए, और मजबूरी में सरकारी क्रय केंद्रों के नहीं खुलने से बिचौलियों के हाथों बेचने को मजबूर हो रहे हैं। वही सरकारी धान क्रय केंद्रों की हालत यह है कि आज 17 नवंबर हो गया और धान क्रय केंद्र अभी तक खुला ही नहीं, तो किसानों की धान की खरीद मूल्य से अधिक दामों में कहां से हो रही है। सभी क्रय केंद्रों पर अभी तक ताला लटक रहा है और अधिकारियों के द्वारा कागजों में खरीद की खानापूर्ति की जा रही है। एक अपना पर्चा बताइए। छोटेलाल सिंह। छोटेलाल जी कहाँ के रहने वाले हैं? रामपुर पकड़ी जी। क्या स्थिति है अभी धान क्रय केंद्र की? स्थिति बहुत बदतर है, केंद्र पर खरीदा नहीं जा रहा है, व्यापारी सब उठा रहे हैं औने पौने भाव में, मजबूरी है बेचना क्योंकि खेती करना है जी, तो जो रेट मिल रहा है संतुष्ट नहीं है। अच्छा, तो देखा जा रहा है कि सरकार तो कह रही है कि किसानों की आय दोगुनी करने की भी बात दावा कर रही है, और कह रही है कि जो हमारी सरकारी धान क्रय केंद्र है इस पर उचित मूल्यों पर और अधिक मूल्यों पर धान की खरीदारी हो रही है, तो क्या लग रहा है? कहाँ हो रही है, धान का रेट सरकारी रेट कुछ और है, तो सरकारी 3 रुपया 4 रुपया कम रेट में, मजबूरी है बेचना, किसानों की मजबूरी हो गई है। क्या नाम है आपका? धनंजय सिंह। धनंजय कहाँ के रहने वाले हैं? खजूरी। अभी कहाँ खड़े हैं आप? अभी कहीं पर खड़े हैं, क्रय केंद्र पर खड़े हैं। क्या स्थिति है अभी? ये अभी जो क्रय केंद्र की कुल कागजी कार्रवाई चल रही है, देखिए कब क्या हो रहा है। लेकिन आज 16 नवंबर है, अभी तक देखा जा रहा है खरीदारी नहीं हो रही है। तो दूसरा हफ्ते पहले अधिकारी आए थे यहाँ खुला प्रशासन, अभी तो सचिव साहब बोले कागज कुछ सामान ही नहीं मिला है यहाँ पे। अच्छा, कितनी दिक्कतें होती है? देखा जा रहा है कि बिचौलिए धड़ल्ले से धान की खरीदारी कर रहे हैं। बिचौलिए तो सरकार के संरक्षण में काम कर रहे हैं यहाँ पे जी जी, लेकिन जो सरकारी कर्मचारी हैं और जो ये सरकारी गोदाम, यहाँ पे खरीदारी भी नहीं हो रही है? अभी तो नहीं हुई है। दिक्कतें कितना दिक्कतें हो रही हैं आप लोगों को? दिक्कत तो हम लोग बहुत झेलना पड़ रहा है। किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं आप लोगों को? दिक्कत आ रही है कि हम लोग धान लेकर घर पर सुखाना पड़ रहा है, 6 महीने तक रखना पड़ता है, पैसा समय से नहीं मिलता है, काफ़ी दिक्कतें होती हैं। देखा जा रहा है कि धान की बुआई भी शुरू हो गई, गेहूँ की बुआई भी शुरू हो गई है, तो किस तरह की परेशानियाँ हो रही है? परेशानियाँ किसान लोग उसी तरह छोड़ दिए हैं, नहीं मिला है पैसा, तो क्या करेंगे? बिचौलियों को बेचने के मजबूर हो गए हैं। हाँ।